हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ प्रोफेशनल माइक स्टैंड का। लेकिन ये माइक स्टैंड इतना बेस्ट है, मैं आपको बता दूँ इसके बहुत सारे फायदे। आप माइक क्यों लगाएंगे आजकल को, कोई माइक नहीं लगाता, छोटे छोटे माइक आते हैं। लेकिन मैं इसका यूज़ करता हूँ मोबाइल स्टैंड के लिए, तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर देता हूँ पहले। तब ये देख सकते हैं, ये मेरे पास है, इसका नाम है WR35। कोई बात नहीं, सारे आते हैं मार्केट में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन देखिए इसके कितने सारे फायदे हैं। मैंने अब जैसे मैं इसको अनबॉक्सिंग करने से टाइम बचा देता हूँ मैं आपका, तो अनबॉक्सिंग मैंने पहले से कर रखा। देखिए ये माइक स्टैंड कुछ इस तरह से होता है कि इसमें माइक लगा सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको कस देते हैं, ये कस जाता है यहाँ पर। कसने के बाद क्या होता है कि किधर भी घुमा सकते हैं इसको, ऐसे 360। इसमें दो स्प्रिंग होते हैं जो आप देख पा रहे होंगे। आप इस बात को अच्छे से समझिए कि इसमें दे होता है, और यहाँ पर माइक लग जाता है, जो माइक होता है लगाने यहाँ लग जाता है, और इसको इस तरह मूव कर सकते हैं, देखिए दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे। लेकिन इसका क्या फ़ायदा, मतलब आज के डेट में माइक तो कोई लगाता नहीं है, तो इस स्टैंड को मैं यूज़ करता हूँ ऐसे मोबाइल स्टैंड। देखिए मार्केट में कितना भी अच्छा मोबाइल स्टैंड आ रहा है, वो इससे बेस्ट नहीं है जो मैंने बनाया खुद। देखिए मैंने बनाया ये वाला, मैंने क्या करा है, एक ये अलग से बॉल मंगाया है, और ये मोबाइल होल्डर अलग से मंगाया है, माउंट इसको बोलते हैं। उसके बाद ये मंगाया मैंने इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको, माइक स्टैंड, ठीक है। ये मंगाया मैंने, इसको यहाँ लगाया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ लगाया, इसके बाद मैंने इसको इस तरह बनाया, उसके बाद मैंने ये कस दिया है। तो जो मैंने इसको कैसे बनाया उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। ये तो अनबॉक्सिंग चैनल है मेरा, जो ओरिजिनल चैनल है उसके लिंक दे दिया कि मैंने कैसे बनाया, तो आपको लिंक में चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। तो अभी लिंक हो सकता है अभी ना हो, थोड़े दिन में डाल दूंगा मैं। और ये इस तरह मैंने बनाया, तो अभी देखिए इसको मैं किसी तरह मूव कर सकता हूँ। ये इतना पावरफुल है कि आधा किलो तक वेट को झेल सकता है, कोई गिरने का डर नहीं है, कुछ भी किसी तरह का डर नहीं है। आप जैसे रोकेंगे वैसे मोबाइल रुक जाएगा, आप ऐसे रोक लीजिए ऐसे, और चलाने में भी बहुत हैंडी होता है कि आप चला सकते हैं। ये तो मैंने डेमो मोबाइल पुराना लगा रखा है, और ये ढीला करेंगे तो जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लीजिए, 360 डिग्री में कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जैसे दिल करे आपका ऐसे कर लीजिए, और जैसे चाहे वैसे रोक लीजिए, ऐसे घुमा लीजिए, पूरा इधर ले जाइए पूरा। तो कहने के मतलब मोबाइल स्टैंड के लिए मैंने आपको ये दिखाया कि मोबाइल अगर स्टैंड बनाना इसका बनाइए, तो इसका प्राइस 390 था, 100 रुपये का ये आया है, 200 का ये आया है, 300 यानी 700 रुपये का इतना अच्छा स्टैंड बन जाता है कि पूछो मत। इसमें अगर आप माइक चाहो तो माइक भी लगा सकते हो, और रिकॉर्डिंग करते हो तो अपने मुंह के पास इसको ले आइए, यहीं पे माउस ये चिमटा लगा करके बांध दीजिए माइक को। नहीं तो माइक स्टैंड के साथ ऐसा भी आता था, आप इसको अगर बड़ा माइक यूज़ करो तो इसी में लगा लीजिए जो इसके साथ आता है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगी होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, ये खरीदना है, और एक ये खरीदना, तीनों चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक ये खरीदना है और प्लस में ये खरीदना है। मार्केट से शौक आता है, वैसे महंगा आएगा, अमेजोन से लेंगे तो मैंने अमेजोन का लिंक दिया नीचे, आप देख सकते हैं ये और ये गियर स्टैंड, तो माइक स्टैंड बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने कैसे बनाया है, बस ये पुल्ली कसी है मैंने, यहाँ देखिए एक नट है, हार्डवेयर की दुकान से आता है, 5 रुपये का नट आता है ये, मतलब जो आएगा तो नया इस तरह आएगा, तो आपको ये खोल के निकाल के हटा देना है, ये वाला हिस्सा जो आएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला खोलेंगे ढीला कर देंगे, ये हिस्सा निकाल दीजिए बाहर। उसके बाद यहाँ बीच में छेद करना है, छेद करने के बाद ये जो गोल पुल्ली है ये इसमें पीछे नट से कस जाता है, 5 रुपये का नट आता है ये हार्डवेयर की दुकान से। तो पीछे मैंने ड्रिल मशीन था मेरे पास लोहे का, छेद कर दिया मैंने और इसमें कस दिया, तो ये बन गया ड्रिल मशीन, ठीक है ना। आप चाहे तो अगर आपसे छेद ना हो तो आप करवा सकते हैं जाकर के, वही 5 रुपये ले लेगा, कर देगा खादी वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। तो इस तरह मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक करें, तो ऐसे ही मैं कुछ आइडिया लाता रहूँगा, ठीक है। और इस वीडियो को का जो पूरा मैंने इसको कैसे बनाया है वो वीडियो देखने के लिए आप लिंक नीचे देख सकते हैं, कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अभी लिंक तो नहीं डाल पाऊंगा, एक दो हफ्ते में लिंक भी डाल दूंगा। तो इसको खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर करें, अभी तो ऐसे काम चल रहा है हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।